फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में 36 इंची का तीरे वाला ब्लाउज किस तरीके से कटिंग करते हैं वो बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिया है और अस्तर के ऊपर का ब्लाउज का कपड़ा भी ले लिया है। तो पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कपड़े की कटिंग करेंगे। तो पहले अस्तर की कटिंग के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो ब्लाउज का पीठ काट रही हूँ तो उसकी जो लंबाई है वो 14 इंची है और मैंने इसमें 1 इंची का मार्जिन रखकर इसको 15 इंची पर एक निशान लगाया हुआ है। और यहाँ पर मैं शोल्डर का निशान लगा ले रही हूँ। शोल्डर का निशान मैंने 6 इंची पर लगाया है और 2.5 इंची का मैं गले का निशान लगाऊंगी और बाकी मैंने यहाँ पर आर्म होल का निशान लगा दिया है 6 इंची पर। आर्म होल की लंबाई भी मैंने 6 इंची रखी है। अब यहाँ पर मैंने 6 इंची रख कर एक बॉक्स बना के रेडी कर दिया है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो जैसे कि ये पीछे का पार्ट है तो इसमें 1 इंची मार्जिन रखेंगे और आगे का पार्ट रहेगा तो 1.5 इंची मार्जिन रखना है। हम यहाँ पर हम जैसे कि 36 इंची का ब्लाउज बना रहे हैं, 36 इंची का जो आधा होता है वो होता है 18 इंची। तो 18 इंची के हिसाब से हम उसका भी आधा लेंगे 9 इंची। तो मैंने यहाँ पर 9 इंची पर निशान लगाया है और 3 इंची का मार्जिन रखा है। यहाँ पर मैं बैक पार्ट की कटिंग करके इसको निकाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें गले का कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। जल्दी मैं इसके गले की डिज़ाइन बनाकर उसका वीडियो अपलोड करूंगी अपने चैनल पर। अगर फ्रेंड्स आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी अपडेट दूँ अपने चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर कपड़े की बचत करते हुए कटिंग करना बता रही हूँ आप लोगों को। तो मैंने एक साइड से कपड़े का बैक पार्ट काटा है और एक साइड में मैं कपड़े का फ्रंट पार्ट काट लूँगी। तो इससे हमारा कपड़ा जो है थोड़ा बचेगा एक्स्ट्रा। यहाँ पर मैंने गले का जो यहाँ पर जो मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ तो मैं तीरा पट्टी अलग से काटूँगी और फ्रंट पार्ट अलग से काट रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए जो लंबाई है वो 12.5 इंची रखी हुई है और 2.5 इंची का हम तीरा रख लेंगे। यहाँ पर मैंने गले पे जो निशान है वो 2.5 इंची पर लगाया है और गले की जो लंबाई है वो 6 इंची रखी है और आर्म होल की जो लंबाई है वो भी 6 इंची रखी हुई है। और इस प्रकार से हम आर्म होल की गोलाई देते हुए उसकी कटिंग करेंगे।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं इस बार आप लोगों को वी शेप गला बताने जा रही हूँ। ये पूरा वी नहीं है, नीचे की तरफ से हल्का सा वी शेप रहेगा आगे का। तो इसकी कटिंग इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैंने जो गले की लंबाई है वो 4.5 इंची रखी थी और 1.5 इंची का मैं वी शेप दूंगी नीचे की साइड से। यहाँ पर मैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करके इसको निकाल दूंगी। अब यहाँ पर मैं योग पट्टी की कटिंग करने जा रही हूँ। तो योग पट्टी की जो लंबाई है मैं वो 4 इंची रखूंगी और लंबाई जो हमारे ब्लाउज की है उतनी ही लूंगी, जैसे कि 9 9 में 2 9 में 3 जोड़कर 12 इंची। यहाँ पर तीरे में टक्स, जो 4 टक्स वाला जो ब्लाउज होता है, तो इसमें 4 टक्स किस प्रकार से डालते हैं वो मैं बता रही हूँ। जैसे कि आप लोग को मेरे वीडियो में क्लियर दिख रहा है, तो उस प्रकार से मैंने यहाँ पर 4 टक्स डाले हुए हैं और हर टक्स के बीच में 2 2 इंची का गैप है। तो आप इसी प्रकार से अगर टक्स डालेंगे तो आपका जो टक्स का ब्लाउज है वो एकदम बराबर बैठेगा फिटिंग में। अब यहाँ पर हम आस्तीन की कटिंग करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को बराबर कर फोल्ड किया हुआ है, क्योंकि मैं दोनों आस्तीन एक साथ कट करूँगी कपड़े को बचत करते हुए, बचाते हुए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े की जो लंबाई है वो यहाँ पर 10 इंची रखी हुई है और जो उसकी चौड़ाई है, मुझे जो आस्तीन है मेरी वो 3 इंची बनाना है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंची का मार्जिन लेते हुए 4.5 इंची इसकी चौड़ाई ले लूँगी। साढ़े 4 इंची मैंने इसकी चौड़ाई ली थी। ऊपर की तरफ से आस्तीन में मैंने 2 इंची का मार्जिन छोड़कर एक निशान लगाया था और गोलाई शेप देते हुए आस्तीन का शेप बना लिया है। अब हम इसको कटिंग करके निकाल देंगे।
उसके बाद आस्तीन का फ्रंट पार्ट की कटिंग किस तरीके से करनी है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आप लोग इस टाइप से अपने आस्तीन में आधा इंची का मार्जिन हमको रखना होता है, इस तरीके से अगर कटिंग करेंगे तो आपकी जो स्लीव्स है वो एकदम परफेक्ट बैठेगी। अब हम यहाँ पर जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसको ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर डिज़ाइन एक और की है, मतलब एक साइड ही बनी हुई है, तो मुझे एक साइड से ही सारे कपड़े की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं कितने इजी तरीके से इसकी कटिंग करके इसको निकाल दे रही हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से अपना अस्तर और ब्लाउज दोनों कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तीरे की कटिंग कर ली है और यहाँ पर मेरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने अस्तर को रखकर कपड़ा की कटिंग कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।